सिंधु एजुकेशन सोसाइटी तथा वान्या फाउंडेशन ने कोणार्क मंच टीवी तथा कोणार्क न्यूज़ के माध्यम से मनाया स्टीम वीक यानी भाप सप्ताह। इस पूरे 7 दिन में अलग अलग तरह की भाप यानी स्टीम लेकर कोरोना वायरस से स्वस्थ रहने की एक अनुपम योजना प्रस्तुत की। आइए लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। दो एजुकेशन सोसाइटी और वान्या फाउंडेशन की तरफ से हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, स्टीम लिया क्या। ये जो इनिशिएटिव है ये 25 अप्रैल से 1 मई तक हम लोगों ने एक 1 वीक का प्रोग्राम प्लान किया था। यूजुअली पर्पस इस कैंपेन के पीछे यही था कि लोगों को पता है कि स्टीम, जैसे कि केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इस पेंडेमिक में स्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और स्टीम बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं, बट लोग कहाँ ना कहाँ इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। बस लोगों में एक अवेयरनेस लानी थी वापस से स्टीम के प्रति कि घर बैठ के अगर वो अपने फैमिली के साथ स्टीम लेंगे तो डेफिनेटली कोरोना को कुछ मात्रा तक या मतलब कोरोना को दूर रख सकते हैं वो अपने आप से और अपने परिवार से। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करनी थी जिसके लिए हमने 7 डेज का जो ये कैंपेन है इसमें डेली अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ लोगों को अप्रोच किया स्टीम लेने के लिए, जिसमें काफ़ी सारे NGOs न्यूज़ चैनल्स ने भी हमें सपोर्ट किया। और साथ ही साथ एक जैसे आपने देखा कि हमने एक अच्छा कुकर बनवाया है जिसमें से हमने कमिटमेंट लिया है कि सिंधु एजुकेशन सोसाइटी का जितना भी स्टाफ है वो 1 मई के बाद भी हमने कंपलसरी किया है कि स्टाफ जैसे ही काम पे आते हैं सब लोग वैसे स्टीम लेंगे और जाते समय भी स्टीम लेंगे। और साथ ही साथ मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस से भी और स्पेशली उल्हासनगर महानगर पालिका से ये अपील करना चाहूँगी कि ऐसा ही कुछ स्टीम लेने के लिए या स्टीमर टाइप अपने स्टाफ के लिए भी बनवाएं ताकि स्टाफ आते समय और जाते समय स्टीम लें और अपने आप को कोविड से प्रोटेक्टेड रखें। और साथ ही साथ हमने पुलिस स्टेशंस और जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको स्टीमर्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि स्टीम की और अवेयरनेस हो और वो स्टीम का बेनिफिट ले पाए। आपने स्टीमर में जो अभी आजकल डाला है उसमें क्या क्या डालते हैं उसमें? हम लोग डेली एक अलग इंग्रेडिएंट को प्रमोट कर रहे हैं उसमें, जैसे तुलसी हुआ, अदरक हुआ, अजवाइन, काली मिरी हुई, नीम के पत्ते हुए, लेमन हुआ, ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। उनके वैसे भी आयुर्वेदा के हिसाब से भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हमारे बॉडी के लिए। जो भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कोल्ड कफ फ्लू को हमसे दूर रखते हैं उन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने प्रमोट किया है और लोगों तक पहुंचाया है। वैसे भी सबको पता है, बस सबकी इग्नोरेंस है। और इस कैंपेन के थ्रू बस हम अवेयर ही करना चाहते हैं कि स्टीम लें और अपने परिवार को भी स्टीम के लिए मोटिवेट करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।